है। चलिए अब हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, सीधे चलते हैं पहले कनिका के पास जो कि बेंगलुरु से मौजूद है हमारे साथ। तो कनिका जी बताइए, आपका कौन सा है, क्या जानना चाहते हैं? फर्स्ट स्टॉक मेरा है NBCC, मेरे पास उसके 900 शेयर्स हैं और मैंने 92.27 पे लिए हुए हैं। तो अभी मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि मुझे और डिप्स लेनी चाहिए थी और कितना मतलब इसको होल्ड करना चाहिए, कितना लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, कब तक ये अच्छा है? ठीक है, तो ये हाल फिलहाल में लिया आपने? राइट। ओके, तो राजेश जी NBCC पहला स्टॉक 900 शेयर्स 92.27 का इनका परचेजिंग प्राइस है। होल्ड करने की ऐसी कोई क्राइटेरिया इन्होंने सेट नहीं किया है, शॉर्ट टर्म भी रख सकती हैं, अगर वैल्यू अच्छी दिख रही है तो लॉन्ग टर्म भी रख सकती हैं और ऐड भी करने के लिए रेडी हैं। क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे इनको NBCC पर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अगर आप NBCC का चार्ट देखें तो ये एक वीक चार्ट है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो तो 84 के आसपास का इसने एक लो बनाया था, वहां से हमने एक रैली देखी, लेकिन मुझे लगता है ये 94-95, करंट रेट इज 91.50, मुझे लगता है ये 94-95 का एक क्लस्टर है। ये क्लस्टर पार करना इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये रही डेली चार्ट की बात, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे जाते हो तो लगता है कि ये जो करेक्शन है ये प्रोबेबली आगे जाके डीपन होगा, 72 से 70 तक का इसमें फॉल आ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम टू एंटर लॉन्ग इन NBCC। प्रोबेबली 70-72 का लेवल मिले आगे जाके तो फिर सोचेंगे। तो अगर आपके पास पोजीशन है जो कि ऑलमोस्ट प्राइस टू प्राइस है, आई थिंक बेटर यू एग्जिट द पोजीशन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये काउंटर इतना स्ट्रांग है कि ये ब्रेकआउट दे। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए NBCC पर 91 के आसपास फिलहाल की ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है।